सर्वप्रथम आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। और ये जो हमने वेट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जिस मशीन का उद्घाटन किया है, वो एक और बहुत ही छोटा सा स्टेप है, बहुत ही छोटा सा कदम है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आईएम इंदौर की जो प्रतिबद्धता है उसकी तरफ। लंबा भाषण तो नहीं, परंतु एक संदेश मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि कई सैकड़ों वर्ष तक, पिछले कई सैकड़ों वर्ष में हम लोगों ने पर्यावरण का बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत ही अधिक हानि पहुंचाई है। और ये जो संक्रमण है, या अभी आप जो देख रहे हैं कि कहीं बाढ़ आती है, कहीं भूकंप आता है, कहीं भूस्खलन होता है, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता था, परंतु जितनी तेजी से हो रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, जितनी बार हो रहा है और बारंबार हो रहा है, वह चिंता का विषय है। और इसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। और इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस एक तरह से हमको ये संकेत देता है और संदेश देता है कि यदि हम उत्तरदायी हैं उसके लिए, तो अब हमें कुछ उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करना पड़ेगा। हम शास्त्रों की बात करते हैं, लेकिन बात करके ही रुक जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। अर्थात हमने सबकी शांति की बात की है कि जितनी भी औषधियां हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी वृक्ष इत्यादि हैं, हम उन सबकी शांति की कामना करते हैं, अर्थात उनकी सुरक्षा की कामना करते हैं। हम ये बोलते हैं कि हम उनका ध्यान रखेंगे। आज जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरमेंट है, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, बहुत संक्षेप में मैं आपको उसके विषय में बताना चाहूंगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में रहे, तो जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो तापमान की वृद्धि हो रही है, वो 2 से कम होनी चाहिए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से। और वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि कम हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम 800 गीगाटन से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पर्यावरण में ना छोड़ें। आज की डेट में, आज के समय में ऑलरेडी 570 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पर्यावरण में पहुंच चुकी है, अर्थात हमारे पास मात्र 230 गीगाटन का एक बजट बचा हुआ है। और ये 230 गीगाटन का बजट बहुत अधिक नहीं है। पहले हम लोग सोचते थे कि संभवतः 2050 तक पर्यावरण को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखिए, हमको ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनको भागने में, इनको अलग होने में, डिसिपेट होने में लगभग 80 से 100 वर्ष लगते हैं, 80 से 100 वर्ष। तो हम आज की डेट में भी यदि बंद करेंगे, तो इस पर्यावरण का जो हमने हानि पहुंचाई है, इस पर्यावरण को जो हानि पहुंचाई है, उसका जो निस्तारण होगा, उसमें हमको 80 वर्ष लग जाएंगे। तो आज आवश्यक है कि हम अपने स्वार्थ के विषय में ना सोचें, हम ये ना सोचें कि हमें किस किस चीज की आवश्यकता है, हमें किस किस चीज की आकांक्षा है, पर हम ये सोचें कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए, उनके लिए कैसा पर्यावरण, उनके लिए कैसी पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये कैंपस जब मैं 2.5 साल पहले आया था और आज जब मैं देखता हूं, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और इसका पूरा श्रेय मात्र आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके, जिसे मैं मेहनत भी नहीं, मैं तपस्या बोलता हूं, आप लोगों ने तपस्या करके इस कैंपस को ऐसा बनाया है। आप लोगों की तपस्या से इस कैंपस में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम लिए हैं। और इसलिए आइए आज विश्व पर्यावरण दिवस पे हम ये प्रतिज्ञा लें कि हम जहां कहीं भी हैं, चाहे वो हमारा कैंपस हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हम किसी और के घर में रहें, हम सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रखें। हम जिस जगह पे भी जाएं, जब हम वहां से उठें, तो हम उस जगह को पहले से अधिक साफ रख के जाएं। जब हम किसी भी स्थान से दूसरे स्थान की तरफ बढ़ें,
तो हम उस स्थान को जहां पे हम थे उसको पहले से अधिक हरा भरा करके भरे, और हम जिससे भी मिले जब वो हमसे मिल करके वापस जाए तो जिस स्थिति में वो आया था उस स्थिति से वो बेहतर हो, उस स्थिति से वो अधिक प्रसन्न हो। यदि हम ये छोटा सा काम कर लेंगे तो हम पर्यावरण के प्रति और जो मानव का जो प्रथम धर्म होता है जो कि मानवता, उसके प्रति हम अपना पूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो पुनः आप सब लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। इसी तरह से निरंतर प्रयासरत रखिए, इसी तरह से निरंतर प्रयास करते रहिए कि हम अपने कैंपस को और अधिक हरा भरा कर सके, हम अपने आसपास के लोगों को ना सिर्फ सुरक्षित बल्कि प्रसन्न कर सके, और हम अपने जीवन में स्वास्थ्य और इस पृथ्वी के लिए सकुशलता दोनों चीजों को ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद।